नमस्कार, हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीन। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। अहम खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सेना का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल शुरू हो चुका है। ट्रेन से टैंक ले जाकर के सेना ने ये ट्रायल किया है। न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक ले जाए गए टैंक, आपात स्थिति के लिए सेना ने तैयारी को परखा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के तैयारी है, उसका ट्रायल चल रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं, और आपको टैंक ले जाती हुई ये मालगाड़ी इसमें दिखाई दे जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि जिस पटरी के ऊपर ये रेलगाड़ी चल रही है, वहां दूर दूर तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी, और यही वजह है कि बिना रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के आराम से ये गाड़ी, मालगाड़ी टैंक को लेकर के निर्धारित जगह पर पहुंच जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गलवान में भारतीय सैनिकों के शौर्य के एक साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन देश के सूरवीरों ने चीन से सबसे बड़ा बदला लिया था। आज देश उन 20 शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने गलवान में सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज सेना की ओर से लेह में उन सभी 20 शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। उसके बाद से ही भारत गलवान में मजबूत स्थिति में है और कायर चीन के पांव उखड़ गए हैं। एक साल में भारतीय सेना ने लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है। वहां सड़कें बना ली गई हैं और पेंगोंग से चीन के तंबू हमेशा के लिए उखाड़ दिए गए हैं। और यही वजह है कि चीन को ये नागवार गुजर रहा है, भारत की बढ़ती हुई ताकत जिससे परेशान है चीन, और किस तरह से एलएसी के ऊपर लगातार भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है उसी को दिखाती हुई ये 5 तस्वीरें आपके सामने। ये हिंद की सेना के पराक्रम की छोटी सी झलक है। इस झलक से ही एलएसी पर नापाक हरकतें करने वाला चीन थर्रा रहा है। 15 जून 2020 को गलवान में घुसपैठ की कोशिश के बाद से ही भारत ने एलएसी में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी थी। इस बीते एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए भारतीय जांबाज पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। पंद्रह जून 2020 को चीनी सेना ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प करके खुद को अधिक नुकसान पहुंचा लिया। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शुमार है। फ्रांस से भारत को मिलने के बाद वायुसेना की ताकत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती को मजबूत कर दिया है, क्योंकि सेना ने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभार दिया गया है। साथ ही एक अतिरिक्त डिवीजन भी दी गई है जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। पूर्वी लद्दाख जैसी जगह पर जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां हमेशा से जवानों को रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ती थी। इस बार ऐसे इलाकों में बनाए गए आवासों ने सेना को काफी मदद की है और जवानों की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल में इसमें और तेजी आई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों को सुगम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही उन सुविधाओं को बना लिया जिसकी प्लानिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी। कनेक्टिविटी बढ़ने से सेना को सभी फॉरवर्ड जगहों को साल भर सप्लाई करने में मदद मिली और कुछ ही समय में सैनिकों को तैनात करने की क्षमता भी मिली। कुल मिलाकर गलवान में चीन की एक गलत हरकत ने एलएसी पर भारत को अपनी तैनाती मजबूत करने की बड़ी वजह दे दी। एलएसी पर भारत की हर दिन बढ़ती ताकत से अब ड्रैगन के होश फाख्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दरअसल कम कीमत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स हमेशा से डिमांड में रहे हैं। चाइनीज गैजेट से लेकर कई दूसरे सामानों की भारत में भारी खपत होती है, लेकिन गलवान हिंसा के बाद से हिंदुस्तानियों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। गलवान हिंसा के एक साल बाद आज हालात ये हैं कि हर दूसरे भारतीय ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया है, और यही वजह है कि चीन की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। गलवान घाटी में चीन ने जिस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की थी उसकी कीमत उसे उसी वक्त चुकानी पड़ गई थी जब हिंदुस्तान की जाबाज फौज ने ड्रैगन के जवानों को मुंह तोड़ और गर्दन तोड़ जवाब दिया था। बॉर्डर पर तो चीन को उसी वक्त जवाब मिल गया था, लेकिन बिजनेस के फ्रंट पर उसे आज भी अपनी चालबाजी की कीमत चुकानी पड़ रही है और चाइनीज कंपनियां माथा पीट रही है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम छिड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानियों ने मेड इन चाइना सामान खरीदने से परहेज करना शुरू कर दिया। आलम यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदते रहे अमूमन हर दूसरे भारतीय ने पिछले एक साल में चीन का सामान खरीदना बंद कर दिया। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने के ट्रेंड को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने सर्वे करवाया है। लोकल सर्कल्स ने ये सर्वे देश के 281 जिलों में करवाया, जिसमें 18,000 लोग शामिल थे। इस सर्वे के मुताबिक 45% भारतीयों ने पिछले एक साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा। सर्वे में शामिल 34% लोगों ने कहा कि उन्होंने एक साल में एक दो चीनी सामान खरीदे हैं। 8% लोगों ने ये माना कि उन्होंने 3 से लेकर 5 चाइनीज आइटम्स खरीदे हैं। 5 से 10 की तादाद में चीन के प्रोडक्ट्स खरीदने वालों की तादाद 4% थी। 3% लोगों ने एक साल में 10 से 15 मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स खरीदने की बात कही। वहीं सिर्फ 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने माना कि उन्होंने 20 से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जिन लोगों ने पूरे एक साल में एक भी चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदा, उन्होंने ये माना कि चीन की चालबाजी की वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया। जाहिर सी बात है कि गलवान में चीन ने जैसी हिमाकत की उससे एक एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। जहां हमारे फौजी सरहद पर चाइनीज आर्मी की नानी याद दिला रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान के लोग मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज गलवान में हुई हिंसक झड़प के एक साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हम याद कर रहे हैं गलवान के अपने उन वीरों को जिन्होंने खाली हाथों से चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। चीन ने जब जब हिमाकत की तो हमारे जवानों ने करारा जवाब दिया। यहीं तक कि हमारे जो जवान हैं वो ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल की ऊंचाई पर जाकर बैठ गए। इन ऊंचाइयों पर जाकर बैठना कितना मुश्किल होता है। ऊंचाइयों पर बदन को चीरती हवाओं के बीच खड़ा होना और लड़ना कितना मुश्किल होता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एलएसी पर चीन की हरकतों के चलते बेहद तनाव है। चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दिन रात जाग रहे हैं। जिस इलाके में मोर्चेबंदी है वहां या तो बर्फीली चोटियां हैं या फिर नंगी पहाड़ियां। -30 से 40 डिग्री के बीच हमारे जवान सरहद की रखवाली पर डटे हैं। जिन इलाकों में हमारी सेना के जवान देश के मान सम्मान के लिए अपनी नींद हराम कर रहे हैं, वहां हवा बर्फ से भी ठंडी है। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने से ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता है। जिस टेरेन की हम बात कर रहे हैं ये बर्फीला रेगिस्तान है। यहाँ पहाड़ की चोटियों पर जहाँ पर एलएसी है, जहाँ पर फॉरवर्ड पोस्ट हैं, या तो बर्फ है या फिर है नंगी पहाड़ियाँ। -40, -30 जब टेम्परेचर जाता है तो यहाँ जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे हालातों में भी हमारे जवान सीमा की रक्षा करते हैं, तैनात रहते हैं, चौकस रहते हैं। और एक शब्द आता है माउंटेन वॉरफेयर, यानी ऐसी पहाड़ियों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई। आपको मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इस टेरेन को दिखाते हुए कि कितना मुश्किल होता है माउंटेन वॉरफेयर, कितना स्टेमिना चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, और माउंटेन वॉरफेयर जीतने के लिए इंसानी सीमाओं से आगे जाना पड़ता है, बहुत आगे। पेंगोंग झील के पास जहां से चीनी फौज लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रही है, वहां का औसत तापमान भी हमेशा -18 डिग्री से -40 डिग्री के बीच बना रहता है।
यानी रगों में खून जमा देने वाली सर्दी के बीच रहकर ही जवानों को सरहद की रखवाली करनी होती है। कुछ इसी तरह का टेरेन पेंगोंग झील के पास है, कुछ इसी तरह का टेरेन रिजांगला पोस्ट के पास है, यानी पहाड़ जो कि एकदम खाली हैं, ठंडे हैं और ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ मुझे बोलने के लिए भी सांस जोड़नी पड़ रही है और फिर जाके मैं अपने शब्द पूरा कर पा रहा हूँ। तो सोचिए यहाँ लड़ने के लिए कितना स्टैमिना चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए। हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे जवानों ने LAC पर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप समेत कई चोटियों पर कब्जा कर रखा है। ये सब सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन असल में ये बेहद मुश्किल होता है। हमारे संवाददाता रमन ने इन मुश्किल हालातों को समझने की कोशिश की। अब मैं और मेरे साथी नीलेश हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा टेरेन होता है और कितना मुश्किल है। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मुश्किल हालात हैं। और जहाँ LAC है, जहाँ ब्लैक टॉप है, जहाँ हेलमेट टॉप है, वो इससे ज़्यादा एल्टीट्यूड है, ज़्यादा कठोर परिस्थितियाँ वहाँ हैं। अब तीन तरह की सिचुएशन है। एक तो इस तरह का रास्ता है, ये फिर भी ठीक है क्योंकि मैं इस पे चढ़ सकता हूँ, मुझे रास्ता यहाँ मिल रहा है, मैं इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। क्योंकि फिर भी पत्थरों को पकड़कर यहाँ शायद ये इस तरह का रास्ता मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की है, और अगर आप अच्छे पर्वतारोही नहीं हैं तो माउंटेन वॉरफेयर में आप एक अच्छे सैनिक भी नहीं हो सकते। इसीलिए हर सैनिक जो यहाँ तैनात होता है बहुत कुशल पर्वतारोही होता है। यह हिस्सा आपने देखा, अब दूसरा हिस्सा आता है, उसकी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ। इसी एक छोटे से हिल टॉप में उदाहरण के तौर पर मैं आपको तीनों चीज़ें समझा रहा हूँ। ये हिस्सा थोड़ा मेहनत वाला, ये अगर इस तरह का रास्ता है तो यहाँ चलना और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, बड़ी चट्टाने नहीं हैं और इस पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। और मैं खाली हाथ हूँ, जो जवान होते हैं उनका अगर पीछे पिट्ठू होता है, लगभग 25 किलो का वजन होता है, हाथ में हथियार होता है, ग्रेनेड्स होते हैं, सर्वाइवल किट होता है, उसके साथ चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। इन छोटे से रास्तों में चढ़ने में भी मेरी सांस फूल रही है, चढ़ना बेहद मुश्किल है। ये दूसरा रास्ता है। LAC की ऊंचाई वाली चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। जंग के हालात बने तो ऊंची चोटियों पर कब्जे का फायदा क्या है, हमने वो समझने की कोशिश की। अब समझिए कि मैं ऊंची पहाड़ी की चोटी पर, इस पोस्ट पर मैंने कब्जा कर लिया है। ये ऊंचाई पर मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बस एक पत्थर है, और नीचे मेरे कैमरा पर्सन नीलेश हैं, और मैं चाहूँ तो इसी पत्थर से उन्हें घायल कर सकता हूँ। जब तक वो मेरा कुछ बिगाड़ने ऊपर आएंगे तब तक तो उनका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऊपर आना मुश्किल है, और मैं यहाँ चोटी पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ से मैं पूरे इलाके पर नज़र डाल सकता हूँ। अभी अगले वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ऊंचाई से पूरे इलाके पे आप नज़र रख सकते हैं। अभी नीले जब नीचे वाली पूरा शूट ख़त्म करेंगे तो फिर उन्हें भी यहाँ ऊपर बुलाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे, फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे हम इसको पूरा नज़र कर सकते हैं ऊंचाई पे। तो ऊंचाई पर जो बात होती है मजबूती की, वो ये होती है कि अब अगर इस ऊंचाई पर कब्जा करना है तो आर्मी की रणनीति के हिसाब से 1:10 होता है। यानी अगर यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है तो आपको नीचे से 10 आदमी भेजने पड़ेंगे इसे कब्जा करने के लिए। उसके बाद भी आप सफल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। LAC पर पहले चीन का ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा था, लेकिन भारत के ताजा एक्शन के बाद स्थितियां बदल गई हैं। हमारे संवाददाता रमन से समझिए ऐसा कैसे और क्यों संभव हुआ। अब मैं खुद को इस चोटी पर खड़ा एक पोस्ट गार्ड मान लेता हूँ, जवान मान लेता हूँ। अब यहाँ से आप नज़र फैलाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने पूरा समतल इलाका है और इस पर हर जगह मेरी नज़र है। जितनी ऊंची चोटी होगी उतना ज़्यादा आपका विजन बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा इलाके पर आपकी निगरानी होगी।
अब यहाँ से हर छोटी बड़ी हलचल को मैं कई किलोमीटर तक देख सकता हूँ। वहाँ कितनी नफरी दुश्मन की आ रही है, क्या वहाँ से कोई मूवमेंट है, क्या वहाँ से कोई टैंक की मूवमेंट है, या फिर कोई छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ पर मेरी नज़र होगी। यानी माउंटेन वॉरफेयर पर इसलिए ऊंचाई को पकड़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है और निर्णायक भी हो जाता है। भारत के जांबाज जवान एलएसी की ऊंची ऊंची चोटियों पर मोर्चा संभाले बैठे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। अब माउंटेन वॉरफेयर में एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जो बेहद जरूरी है, या यूं कहें सबसे ज्यादा जरूरी है। वो चीज है अपने हथियार और अपने इक्विपमेंट का ध्यान रखना। माइनस से ज्यादा ठंड पड़ती है तो इसलिए जवान अपने हथियारों को सीने से लगा कर रखते हैं। उन्हें पता है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना मातृभूमि की सुरक्षा और ना अपनी हिफाजत। तो बेहद मुश्किल काम है सीमाओं की सुरक्षा करना, और जब हमें पता चलता है कि ब्लैक टॉप पर हमारे जवान चढ़ गए हैं या फिर ऊंचाइयों पर उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है, तो शायद मैं ये समझा पाने में कामयाब हो पाया हूँ आप लोगों को कि वो कितना मुश्किल होता है अपने घरों के गर्म कमरों में बैठकर या अपने घरों के ठंडे कमरों में बैठकर। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना मुश्किल होता है इन पहाड़ों पर एक एक सांस लेना और अपनी सीमाओं की रक्षा करना। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने वाला एक शानदार वीडियो सामने आया। गांव में एक 11 वर्षीय लड़की के साड़ी में स्केटिंग करने के वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया। देखिए रिपोर्ट। बच्ची के हुनर ने जीता दिल। उबड़ खाबड़ रास्तों पर साड़ी से की स्केटिंग। वैक्सीन के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। जहां चाह वहां रहा, ये कहावत तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को चार चांद लगा रही है सीतापुर के रामकोट गांव की एक बच्ची। दरअसल 11 साल की इस बच्ची की गुलाबी रंग की साड़ी पहने वीडियो आपका दिल जीत लेगी। गांव की उबड़ खाबड़ गलियों में स्केटिंग के जरिए फराटा भर रही इस बच्ची ने सबका ध्यान खींच लिया है। उसके स्केटिंग के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता पैदा करना है। बच्ची के स्केटिंग कौशल ने गांव के सभी लोगों को चकित कर दिया। हमें पता नहीं क्या नहीं पता, टीका लग रहे आप लगवाइएगा। हाँ, आपको पता है बता दे, देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन गांव के लोग अभी भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लोगों में भय। लेकिन अब बच्ची का ये शानदार वीडियो लोगों के लिए बूस्टर का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के शिकार दोनों लोग जब तक सचेत हो पाते तब तक टक्कर हो चुकी थी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत मध्य प्रदेश के भिंड में हुए हादसे पर सटीक बैठती है। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच टक्कर की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक सवार और ट्रैक्टर चालक जब तक एक दूसरे को देखते टक्कर हो चुकी थी। टक्कर होते ही रेत से भरा ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार बाप बेटी के ऊपर पलट गया। इस हादसे में बाप बेटे दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए। इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुआ है। चश्मदीदों की माने तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ओवरलोडेड रेत के साथ हाई स्पीड में हाईवे पर दौड़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात अमेरिका की कर लेते हैं, जहां पर इलिनॉय राज्य में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। एक मिनट में पूरी खबर और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं।
अमेरिका के इलिनॉय राज्य में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को 160 किलोमीटर दूर शिकागो से भी देखा जा सकता है। इसी से इस आग की विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग इलिनॉय और विस्कॉन्सिन राज्यों की सीमाओं के पास स्थित रॉकटन में केमटून इंक फैक्ट्री में लगी है। केमटून इंक में ल्यूब्रेटिंग ग्रीस की विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता है। हालांकि इस भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने में कई दिनों का वक्त लगेगा, क्योंकि इसे बुझाने के लिए रसायनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसका कारण इस फैक्ट्री से महज 300 मीटर की दूरी पर रॉक नदी का होना है। आग बुझाने वाले लिक्विड रसायन बहकर रॉक नदी में जा सकते हैं, जिससे नदी के प्रदूषित होने की आशंका है। इलिनॉय के इस केमिकल कारखाने में आग लगने की वजह से एक मील के दायरे में रहने वाले लोगों को दूसरे स्थानों पर पहुंचने का आदेश जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।